नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन, गोरखपुर संसदीय उपचुनाव की हुई घोषणा, डीएम ने अधिकारियों के साथ किया बैठक, दिया चुनाव कार्यक्रम की जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोरखपुर से रवाना होने से पहले लगाया जनता दरबार, फरियादियों को उनकी समस्या के निराकरण का दिया भरोसा। रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जीआरपी सतर्क, अब जहर खुरानों के धरपकड़ के लिए प्लेटफॉर्म के साथ ही उनके घर तक पहुंचेगी जीआरपी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में वक्ताओं ने भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो विषय पर रखे अपने विचार। जीआरपी के एडीजी ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, यात्री सुविधाओं का लिया जायजा, पुलिस कर्मियों को दिए आवश्यक टिप्स। उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के नव निर्वाचित कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष अभिजीत पाठक का कांग्रेसियों ने किया अभिनंदन, दी बधाइयां। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा 12 फरवरी से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का होगा आयोजन, विविध राज्यों के वक्ता संस्कृत वाड़िमन में बिंब विधान विषय पर रखेंगे अपने विचार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नगर में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल एवं शोध संस्थान गीता वाटिका में गहन चिकित्सा कक्ष का महापौर ने किया लोकार्पण। 10 फरवरी को जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण संधि सुलह एवं अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर। सेंट एंड्रयूज कॉलेज के महिला सेल द्वारा आयोजित हुआ स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर कार्यशाला और रंगोली प्रतियोगिता, वक्ताओं ने बच्चों को तनाव मुक्त जीवन के दिए टिप्स। गोरखपुर विश्वविद्यालय की डेलीगेसी द्वारा 14 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के चौथे दिन 2 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, कुल 110 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। और CRDPG कॉलेज छात्राओं द्वारा आयोजित हुई 2 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बांधा समा। अब समाचार विस्तार से। गोरखपुर संसदीय सीट के उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 9 फरवरी को जनपद गोरखपुर के संसदीय सीट हेतु उपचुनाव की घोषणा कर दी। घोषणा के साथ ही निर्वाचन आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि अविलंब नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम लगाकर महानगर क्षेत्र में लगाए गए समस्त राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स, बैनर्स, झंडे व झंडियां निर्वाचन आदर्श आचार संहिता के प्राविधानों के अंतर्गत हटवाना सुनिश्चित करें तथा महानगर की सार्वजनिक दीवारों पर राजनीतिक वॉल पेंटिंग्स को भी तत्काल पुतवाकर हटवाया जाए। जिलाधिकारी ने डीएम ने उप जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिया कि अपने अपने तहसील क्षेत्रों में कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को भी अपने अपने क्षेत्रों में निर्वाचन आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने उपचुनाव के कार्यक्रमों को बताया। मदद कराएंगे तुम्हारी हमारे मजिस्ट्रेट हैं, रेगुलर मजिस्ट्रेट में 6 बजे मैंने कहा उसको। बता दो, बहुत पहले से दिया था और तैयारियां भी थी सबकी। तो इसका ग्रुप का नाम है बाई इलेक्शन पार्लियामेंट 2018।
तो इसमें दो चीजें मुझे इम्पोर्टेंट है कि नाउ बिकॉज वी आर इन अ वेरी वेरी स्मॉल ब्रैकेट ऑफ टाइम, 9 तारीख को बैठे हैं, 13 से नॉमिनेशन शुरू हो रहे हैं और चुनाव मार्च 11 को हो जाएगा, तो वी आर जस्ट इन अबाउट लेस देन अ मंथ टाइम बिकॉज दिस मंथ इज अ 28 डेज, इट इज नॉट अ नॉर्मल 30 or 31 डेज, सो वी आर लेस देन अ मंथ टाइम फ्रेम। इसमें दो तीन चीज में अपेक्षा करूंगा फ्रॉम द होल टीम, एंड एज यू ऑल नो and team has to deliver. Somebody is talking there at the rear side. It is getting me disturbed. First hand. आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गोरखपुर के 64 नंबर के जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का, उसमें उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है और इस उपचुनाव की घोषणा के साथ साथ पूरे जनपद में निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। जो कार्यक्रम को प्राप्त हुआ है उसमें जो अधिसूचना का दिनांक है वो 13 फरवरी 2018 रहेगा, जो नाम निर्देशन प्राप्त करने की तिथि है वो 20 दो 2018 को अंतिम तिथि होगी, जांच के लिए 21 फरवरी 2018 नियत की गई है, नाम वापसी का दिनांक 23 फरवरी 2018 है, मतदान का दिनांक 11 मार्च 2018 है और मतगणना का दिनांक 14 मार्च 2018 है। तो ये उपचुनाव आप देख ही रहे हैं कि लगभग एक महीने से ऊपर की इसकी अवधि है जिसमें हमारी ये पूरी प्रक्रिया चलेगी और 13 तारीख से हम लोगों के नॉमिनेशंस की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और क्योंकि ये आप अवगत हैं कि इस संसदीय क्षेत्र में हमारे 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और जो आचार संहिता है वो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत पूरे जनपद में लागू रहेगी, तो इसके लिए हम लोगों ने तैयारियाँ पहले से भी आरम्भ की हुई थी। हमारा जो वोटर लिस्ट का रिविजन का काम है वो समाप्त हो गया है और आज उसका पब्लिकेशन भी हो गया है, सारे के सारे बूथ्स पे आज पब्लिश हो गया है। और हमारे इस पूरी प्रक्रिया में जो बूथ होंगे वो 2141 होंगे, हमारे मतदान केंद्र 967 होंगे और लगभग 19.5 लाख मतदाता होंगे जो इस उपचुनाव में प्रतिभाग करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में शुक्रवार की सुबह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। पूर्वांचल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अनेक जिले के फरियादियों की भीड़ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में एक एक करके फरियादी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके अपनी समस्याओं को अवगत कराया, जिस पर सभी उनकी समस्याओं के निस्तारण करने का योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया। फोटो खींच के दे दो और से आओ कौन सामने आओ वो भगवान के फोटो ले करता होली पर्व पर रेल यात्री सुविधाओं को देखते हुए राजकीय रेलवे पुलिस काफी सतर्क है, इसके लिए जीआरपी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाना में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी विजय कुमार मौर्य ने बताया कि तैयारियों के दौरान अपने घर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा पर जीआरपी विशेष ध्यान देगी, जहर खुरानों की चिन्हित कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब जीआरपी सिर्फ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक ही नहीं बल्कि जहर खुरानों को उनके घर तक पहुंचकर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि
गोरखपुर में कुल लगभग 50 जहर खुरान चिन्हित हैं, जिनमें से 38 जेल के सलाखों के पीछे हैं। बचे जहर खुरानों की धरपकड़ की जाएगी। स्टेशन पर घूमने वाले अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जीआरपी ने एक ऐप जारी किया है, जिसमें विभाग से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध रहेंगी और पुलिस के जवान अवकाश लेने के साथ ही अपना गुड वर्क भी डाल सकेंगे। एडीजी वीके मौर्या ने बताया। होली ट्रेन के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, जबकि विभिन्न देश के विभिन्न स्थानों से लोग अपने अपने घरों को जाते हैं। विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत यात्री वाया दिल्ली, पंजाब इत्यादि से इधर की ओर आते हैं। प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है और विशेष रूप से जहर खुरानी घटनाएँ होती हैं। उसको ध्यान में रखते हुए इस समय पूरे प्रदेश में जहर खुरानी के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया है। ऐसे सभी क्रिमिनल्स को उनको चिन्हित कर उनके कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जो जेल में बंद हैं उनको भी निगरानी की जा रही है, उनकी काउंसलिंग की जा रही है और यदि वे ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं तो उनको जेल से बाहर न निकलें ऐसा व्यवस्था की जा रही है। जो बाहर हैं उनकी निगरानी करा करके यदि सक्रिय है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और नहीं सक्रिय है तो उनकी निगरानी की जाएगी। सर जीआरपी कर रहे हैं, अभी स्मार्ट पुलिसिंग की ओर अग्रसर हैं। जीआरपी में सारे ड्यूटियां इत्यादि हम ऐप के थ्रू लगा रहे हैं। उद्देश्य कुल मिलाकर ये है कि हमारे सारे सिपाहियों को एक इक्विटेबल ड्यूटियों का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उन्हें छुट्टी इत्यादि की आवश्यकता हो तो उन्हें कहीं ऑफिसों का चक्कर न लगाना पड़े, उन्हें तत्काल ऐप के माध्यम से ही डिजिटली उन्हें छुट्टी सैंक्शन हो जाए ताकि वे अपने अपने घरों में जाए। तो समय जहाँ तक बचेगा उनका मनोबल बढ़ेगा और कार्यकुशलता बढ़ेगी। प्रयास ये कर रहे हैं कि जो वो काम कर रहे हैं उनका भी रिकॉग्निशन हो, तो ये डिजिटल जो ऐप है उसमें अपने जो भी वो काम कर रहे हैं उसके वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, उसका राइटअप भी लिख सकते हैं ताकि उसको सीनियर ऑफिसर देखेंगे और उसके अनुसार उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। रेलवे पुलिस को निर्देशित किया गया कि न केवल प्लेटफॉर्म पर बल्कि वो जहर खुरान या चोरी करने वालों के घर तक जाएं, दबिश दें, जहां भी उन्हें निकालें और उन्हें किसी भी तरह से क्राइम करने से रोकें। तो अब ये जो जीआरपी को जनरली जो प्लेटफॉर्म पुलिस कहा जाता था, अब ये उनके घरों तक जाकर के उनके डेन में जाकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कर रही है। अभी तक कितने जहर कुरान है गोरखपुर में, कितने जेल में? इस समय लगभग 38 जहर कुरान जेल में बंद है गोरखपुर के और चिन्हित 50 के आसपास हैं, तो जो बाहर हैं उनकी भी निगरानी की जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा कैसी हो भारत की शिक्षा व्यवस्था विषय पर विशिष्ट व्याख्यान और पुनरुत्थान विद्यापीठ ग्रंथमाला पुस्तक का लोकार्पण समारोह शुक्रवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात राष्ट्रवादी चिंतक विचारक मुकुंद कांतिकर, विशिष्ट अतिथि कर्णावती अहमदाबाद पुनरुत्थान विद्यापीठ की मानक कुलपति इंदु काटगदरे, प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक श्रीकांत काटदरे, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह, भूगोल विभाग के प्रोफेसर ज्ञान सिंह सहित कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। व्याख्यान को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कैसी हो भारत की शिक्षा व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है, जिसके माध्यम से देश की दिशा विकास की ओर बदली जा सकती है, जिसमें शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारियों को समझकर युवाओं को और शक्तिशाली बनाना होगा। शिक्षा के माध्यम से हम इस देश को एक बार मुक्त हुई है। 1947 की यह मुक्ति टेक्निकल मुक्ति है, परंतु भारत माता सर्वार्थ में पुनः मुक्त होनी चाहिए। यह सर्वार्थ में मुक्ति भी शिक्षा के माध्यम से ही होगी और यहाँ उपस्थित हम सब लोग उस मुक्ति को प्राप्त करने वाले, प्राप्त करवाने वाले सभी ज्ञान योद्धा होंगे। ईश्वर हम सबकी
उनके साथ बैठकर सीखने पर प्रतीत होता है और सभी श्रेष्ठ जनों ने भी कारक नहीं रही है, वो हमेशा से वैश्विक रही है और उसका वैश्विक अवदान रहा है, विश्व को उसको विश्व की देन रही है। इस मिशन इस उद्देश्य को लेकर कार्य करने वाली विदुषी इंदुमती कार्तरे जी जो कार्य कर रही है, उनके जीवन में, कार्य में, व्यवहार में, आचरण में सब में एक रूपता है और इसलिए हृदय के अंतस्थल से बहुत सजगता पूर्वक में अपनी बात कहती हैं। वो ग्रंथ में भी दिखता है और व्यवहार और कार्य में भी दिखता है। आने वाले समय में देश और हमारे जैसे युवा विद्यार्थी सब उससे लाभान्वित होंगे और जो उनकी संकल्पना है वह देश हित में है, वह देश हित को पूरा करेगी, देश अपने उस मुकाम पर पहुंचेगा। उनकी बातों को शिक्षा से जुड़े यहाँ प्रबुद्ध और यशस्वी जन हैं, नरेश भोक्ता जी हैं, सुमित्रा सिंह जी हैं, सुभा जी हैं, सहजा मैडम हैं, राजशरण साहिब जी हैं, सुषमा जी हैं, ये सब लोग बड़े सजगता से सुन रहे थे, उनकी बात पर विचार किया जाता है और समाधान के रूप में जो रुद्रा विद्यापीठ ने उसकी पूरी भूमिका को स्पष्ट करते हुए इन पुस्तकों को, इस ग्रंथमाला को एक समग्र शिक्षा शास्त्र के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। आने वाले समय में सारा विश्व इन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करेगा और इसलिए करेगा क्योंकि सारी विश्व की मानवता आज इस विषय को लेकर के विचार कर रही है कि कैसी हो हमारी शिक्षा। यह केवल भारत की चुनौती है ऐसा नहीं, तो यह सारे विश्व की चुनौती है। 2012 में जब भारतीय शिक्षण मंडल का दायित्व मुझे मिला तो उसके बाद में सारे विश्व की शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन करना मैंने प्रारंभ किया। तकनीक के प्रभाव के कारण, अंतरताने के कारण, इंटरनेट के कारण सब कुछ सहज सुलभ है, आपके हाथ में जो मोबाइल है उसी में मिल जाता है। अब आप देखते हो कि नहीं, आपकी आपका अपना सोच है कि आप क्या देखते हो, लेकिन उस पर सब उपलब्ध होता है। तो इसलिए मैंने बहुत सरलता से पिछले 5-6 वर्षों में विश्व की समस्त शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन करने का प्रयत्न किया और हमारे यहाँ के लोग जाकर के वहां पर अचंभित होकर के क्या कहते हैं उस पर मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं। वहां के लोग वहां की शिक्षा पद्धति के बारे में क्या कहते हैं वह पढ़ने का मैं प्रयत्न करता हूं और वो पढ़ने पर मैंने पाया कि सारा विश्व इस विषय को लेकर के बड़ा चिंतित है क्योंकि उनके पास समस्या है, समाधान वो इस बात से परेशान है। तथाकथित रूप से अपने आप को विकसित कहलवाने वाले देश, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विकास की उनकी अपनी अवधारणाओं पर अब वे ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे कि यह वास्तविकता में विकास है। आज यदि किसी को पूछा जाए कि विश्व का सबसे श्रीमंत अमीर देश कौन सा है तो बिना हिचके अर्थशास्त्र के विद्यार्थी और प्राध्यापक भी यहां बैठे होंगे तो जीडीपी की बात करते हैं तो विश्व की सर्वाधिक जीडीपी वाला देश अमेरिका है, ये बता देंगे। $15 खरब की उसकी जीडीपी है, 14 होता है क्योंकि हम पता नहीं अखबारों को में इस प्रकार की खबरें पढ़ते कि हमारा ध्यान रहता है कि नहीं। जीआरपी के एडीजी विजय कुमार मौर्या ने शुक्रवार को रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म जीआरपी थाना का औचक निरीक्षण किया। स्टेशन परिसर का पैदल गश्त करके उसका मुआयना किया तथा प्लेटफॉर्म पर लगे सुरक्षा उपकरणों की जांच की तथा सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को जरूरी टिप्स भी दिए। निरीक्षण के दौरान जीआरपी के एसपी अभिषेक यादव, सीओ श्री प्रकाश राय, थाना प्रभारी आनंद कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीआरपी के एडीजी विजय कुमार मौर्या ने कहा कि स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जीआरपी यात्रियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर है। उन्होंने कहा कि जहर खुरानों और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, अवैध वेंडरों के खिलाफ अभियान चलाकर अपराधियों को सुधरने का मौका दिया जाएगा। अब यही से आ जाता सभी का रहता, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इस तरह से ड्यूटी लगाने में। ड्यूटी अब लोग नहीं लगाते, कंप्यूटर चिट्ठी दी, आप डिमांड सप्लाई का सर्वे करा रहे,
बहुत प्रॉपर सर्वे करा रहे हैं कि डिमांड कितनी है रेलवे स्टेशन पर वेंडर्स की और आपने कितने लाइसेंस दे रखे हैं। तो डिमांड सप्लाई का यदि सर्वे हो जाएगा तो यदि आपके पास लाइसेंस वेंडर्स कम है तो इसका मतलब आपको बढ़ाना चाहिए। बहुत स्पष्ट लिखा कि एक अवैध गठबंधन गठजोड़ हो गया है नीचे लेवल पर जिस पर कि वो अवैध धन उगाही हो रही है और वैसे आम पैसेंजर्स की बहुत असुविधा हो रही है। तो मैंने लिखा है कि आप जो है इसका सर्वे करा लें। सर्वे करा करके जहां पर उसमें आवश्यकता है तो मालूम है कि यहाँ पर यदि 10,000 यात्री जाते हैं तो उनके खाने पीने की क्या आवश्यकता होगी और यदि नहीं हुआ तो केवल अवैध वेंडर्स का ही सर्वे करा लें उसी से पता चल जाएगा। इसलिए हमने खुद ही स्टडी लॉन्च की है कि कितने अवैध वेंडर्स है सब पता कर लें। तो हमें यदि मालूम हो कि 100 वैध है 400 अवैध है इसका मतलब 500 की जरूरत है तो 500 के आसपास आप बाकायदा जो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम से 500 को वैध कर दी मतलब उनको इनवाइट करके उनको कायदे से लाइसेंस दे दी ताकि वो भी एक इज्जत की नौकरी करे। इज्जत देख रहे थे यहाँ पर ड्यूटियाँ कैसी लग रही हैं यहाँ पर जहर पुरानों के लिए और चोरों के पकड़ने के लिए क्या व्यवस्थाएँ। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ यहाँ पे की गई हैं गोरखपुर में विशेष रूप से जैसे कांड की जहर पुरानी और चोरियों में भारी कमी लगभग नील के बराबर है। जो चोर पकड़े गए हैं जो जहर पुरान पकड़े गए उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। RPF का बहुत अच्छा सहयोग है यहाँ पर स्कैनर लग गया है स्कैनर में भी डिटेक्शन बहुत ही आसानी से हो जा रहा है यहाँ बहुत ट्रेंड स्टाफ लगा है। कुल मिलाकर के स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पे
उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस की बैठक शुक्रवार को कैंट स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक के दौरान उपस्थित पार्टी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पार्टी के नव निर्वाचित कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष अभिजीत पाठक का माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। अभिजीत को मिले इस कामयाबी के लिए पार्टी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां भी दी। बैठक में कांग्रेस पार्टी की मजबूती और विकास करने रणनीति बनाई गई। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री तलत अजीज, मार्कंडे चंद, गोरखलाल श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार, अमरेंद्र सिंह सहित कई कांग्रेसी मौजूद रहे। आइए भैया, आइए सलाम आइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस बढ़ो, हम लोगों का जितना सहयोग बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूंगा। व्यक्तिगत तौर से आप जहां भी कहोगे मैं आपके लिए खड़ा हूं हमेशा, और जो भी मेरे से हो। हमारे बीच में अभिजीत त्रिपाठी को हम लोग गोरखपुर लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया, और इस बैठक में उपस्थित हमारे गार्जियन के रूप में माननीय तलत अजीज जी और एडवोकेट के वी दुबे जी, अभिभावक के रूप में ये एक मौका है इनको आगे बढ़ने का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा 12 फरवरी से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित होगा। इस संगोष्ठी में विविध राज्यों से आए वक्ता संस्कृत वार्ड में विम्ब विधान विषय पर अपने विचार को व्यक्त करेंगे। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर यदुनाथ दुबे, विशिष्ट अतिथि वाराणसी मालवीय भवन के निदेशक प्रोफेसर उपेंद्र पांडे, ओडिशा धर्मशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ स्वाई सहित कई शिक्षक व छात्र छात्राएं शामिल होंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर छाया रानी ने संगोष्ठी की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, उद्घाटन सोमवार दिन 12 फरवरी 2018 को 10:30 बजे संवाद भवन में होना है। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी जी, सर्वदर्शन विभाग के अध्यक्ष हैं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में वह कार्यरत हैं। दूसरे नंबर पर विशिष्ट अतिथि जो हमारे कार्यक्रम के मंच पर होंगे वे हैं प्रोफेसर सरोज कौशल, जो जोधपुर विश्वविद्यालय जोधपुर से हैं और वह दर्शन की विदुषी हैं। साथ में सारस्वत अतिथि के रूप में हमारे उद्घाटन सत्र में जो तीसरे हमारे विद्वान हैं वह प्रोफेसर गिरीश चंद पंत, जो अध्यक्ष संस्कृत विभाग जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली से आ रहे हैं और वे काफ़ी साहित्य क्षेत्र के विद्वान हैं और उनके विश्वविद्यालय की एक गरिमा है। तो इस प्रकार हमारा उद्घाटन सत्र इन अतिथियों के वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान से विम्ब विधान पर एक नींव की स्थापना करेगा जिससे शोध प्रतिभागियों के बीच में तरह तरह की चर्चाएं होंगी।
समापन का सत्र आयोजित होगा और इस समापन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के ही कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर यदुनाथ दुबे जी होंगे मुख्य अतिथि के रूप में। उनका व्याख्यान होगा और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर उपेंद्र पांडे जी जो कला संकाय BHU संस्कृत विभाग से होंगे, वे साहित्य के मर्मज्ञ मनीषी हैं। यदुनाथ दुबे भी साहित्य के मर्मज्ञ मनीषी हैं। और तीसरे सारस्वत अतिथि के रूप में प्रोफेसर विश्वनाथ स्वाई जो पूरी उड़ीसा से आ रहे हैं, वे धर्मशास्त्र के विद्वान हैं। तो इनके वक्तव्य से समापन सत्र हमारा संपूर्ति सत्र के रूप में पूरा होगा। दोनों उद्घाटन और समापन के सत्रों के साथ ही जो बीच का जो भी हमारा समय है वो 6 तकनीकी सत्रों में आवंटित है और 6 तकनीकी सत्रों में अच्छे अच्छे विद्वानों के वक्तव्य होंगे, विविध क्षेत्रों पर उनके विचार आएंगे और इससे संगोष्ठी की संपूर्णता होगी। साथ में कवि सम्मेलन 13 तारीख को 12 बजे से 1 बजे तक हमने आयोजित करने का संकल्प लिया है और 12 तारीख को 6:30 बजे सायं सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया है जिसमें यामिनी कल्चरल इंस्टीट्यूट के कलाकार करीबन 9 से 10-11 कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। 1.5 से 2 घंटे का उनका सांस्कृतिक संध्या का समय होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रमेश दीक्षित और प्रदेश उपाध्यक्ष KD मिश्र का प्रदेश सचिव उमाशंकर सिंह के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में जोरदार स्वागत किया। 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत बनाने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया था। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना भी साधा। सभा में प्रदेश मीडिया प्रभारी अरुण यादव, उपाध्यक्ष RP सैनी, दीनानाथ उपाध्याय, महिला अध्यक्ष नेहा पांडे, पिंकी परवीन, अजय श्रीवास्तव उपस्थित थे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर रमेश दीक्षित ने कहा, ये संस्था इस तरह की संस्था की इजाजत और कहीं भी हो हिंदू धर्म में नहीं है, इतना मैं जानता हूँ। एक ब्राह्मण होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते वहाँ के दलितों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, उन्हें अपनी बात नहीं करने देंगे, बाबा साहब की प्रतिमा नहीं रखने देंगे, ये कौन सा न्याय है? भारतीय संविधान हो या पुरुष हिंदू है, हमारी ताकत आज से 10 गुनी होगी। मुझे यकीन मानिए हम जल्दी ही आएंगे 5-6 महीने के भीतर, और तब आप देखेंगे हमारा एक बड़ा दूर कितने का शहर की बिच्छू बाजार थे, ये हमारा संकल्प है, हमारे अपने साथियों की ताकत पर पूरा भरोसा है। उस भरोसे के साथ हम कह रहे हैं हम यहाँ पर अपनी गोरखपुर मंडल के तमाम चारों जिलों और विशेषकर गोरखपुर जिले की NCP की इकाई के द्वारा आयोजित इस रैली में शामिल होने आए हैं। हम साफ साफ शब्दों में ये महसूस कर रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान को तोड़ने बनाने की कोशिशें जारी हैं। हम यहाँ पर माइनॉरिटीज और दलितों के मन में जो खौफ पैदा किया है यहाँ की सरकार ने, उस खौफ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये कहने के लिए आए हैं कि हम हर कीमत पर भारत के संविधान को और भारत में लोकतंत्र को बचाए रखने का संकल्प लेते हैं और इसके लिए हर कीमत पर हर स्तर पर जाकर हम इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है हमें समाज में भाईचारे की फिक्र है, इस भाईचारे को हम टूटने नहीं देंगे और हर कीमत पर हम माइनॉरिटीज, दलित, औरतों और नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, यही संकल्प लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। शुक्रवार को हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल एवं शोध संस्थान गीता वाटिका में मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल और विशिष्ट अतिथि IMA गोरखपुर इकाई के उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय शुक्ल ने दीप प्रज्वलित कर नवनिर्मित गहन चिकित्सा कक्ष का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल और डॉक्टर अजय शुक्ल को संस्थान के ट्रस्टी परमेश्वर अजीत सरिया और सचिव उमेश कुमार सिन्हानिया ने उपहार देकर सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अजय शुक्ल ने नवनिर्मित भवन चिकित्सा कक्ष की विशेषता बताते हुए संस्थान की सराहना की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, पूरा
यह बताना चाहूंगा कि ये गहन चिकित्सा कक्ष का निर्माण को बड़े अस्पतालों में, बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों में भेजना पड़ता था सिर्फ गहन चिकित्सा कक्ष के अभाव में। हमारे न्यासीगढ़ ने गहन चिकित्सा कक्ष का की स्थापना का निर्णय लिया, आराम से संभव हो जाएगी और रोगी कैंसर रोगी के धन का अपव्यय नहीं होने पाएगा, जो अन्य खर्चों में जो बड़े शहरों में जो परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है वो आराम करें। और कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी इन चीजों का बहुत पहले से अच्छा इलाज चल रहा है और उसको ये संस्थान अच्छे से कर भी रहा है। और उसके बाद तीसरा जो उपाय और एक साथ में बनता था वो शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के माध्यम से, और सर्जरी भी यहाँ पर लगभग हर तरह की सर्जरी हो रही है और उनके लिए सबसे आवश्यक चीज थी कि ऑपरेशन के बाद मरीजों को एक ऐसे स्थान पर रखा जाए जहाँ पर उनका ऑपरेशन के बाद का रख रखाव देख रेख अच्छे तरीके से हो सके और वो किसी ICU इंटेंसिव केयर यूनिट या गहन चिकित्सा कक्ष में ही संभव था। और आज वो दिन आ गया है कि यहाँ पर एक गहन चिकित्सा कक्ष का निर्माण हो चुका है और आज वो प्रारंभ भी होने जा रहा है। सम्मानित लोगों के कमलों द्वारा उसका जो है उद्घाटन भी किया गया है। अब भविष्य में हम उस तरह के ऑपरेशन भी आसानी से कर सकेंगे जिनको करने में हमें ये सोचना पड़ता था कि ऑपरेशन तो हम 8 घंटे 10 घंटे कर देंगे लेकिन इसके बाद अगले 24 घंटे तक इन मरीजों की देखरेख के लिए जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, अगर इनको वेंटिलेटर लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो उन सब चीज़ों के लिए क्या होगा। आज इस अस्पताल के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम ICU वेंटिलेटर डिफिब्रिलेटर हर तरह की आज जितनी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर प्राप्त हो गई है। अब इनके साथ हम हर तरीके के ऑपरेशनों को अंजाम दे सकते हैं जिन्हें करने में हम थोड़ा कर पाते थे या हम नहीं कर पाते थे, अब उस तरह के ऑपरेशन भी हम लोग यहाँ पर कर सकेंगे। हमें बहुत खुशी है कि ICU बना और ICU सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी जब हम तीसरी मॉइटी यानी सर्जरी के द्वारा मरीज कैंसर मरीजों का इलाज करना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी है। गोरखपुर में हमारे लोग किस तरह से सेवा भावना से काम कर रहे हैं, ये गोरखपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, समाज सेवा करने वालों लोगों के लिए अनुकरणीय है। और जो भी हमारे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के स्मृति में राधा बाबा के इच्छा के अनुसार ये हॉस्पिटल बनाया गया है, 30,000 रोगियों की प्रतिवर्ष सेवा होती है। मैंने देखा कोई भी ऐसी सुविधाएं यहाँ पर जो टाटा मेमोरियल वगैरह जो आजकल के उत्कृष्ट हॉस्पिटलों में आता है यहाँ वो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। डॉक्टर मालिनी जी ने पूरा विस्तार से चर्चा किया है इस पर और किस तरह से आप रोगियों का इलाज यहाँ पर करते हैं और कम से कम में मूल्य पर रोगियों का यहाँ पर इलाज किया जाता है और साथ साथ सरकार के द्वारा भी जो सहायता दी जाती है आप लोगों की तत्परता से इन रोगियों तक पहुँचती है। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस सेवा भावना से हमारे प्रसाद समिति इस काम को कर रही है। कैंसर पहले जानलेवा बीमारी समझी जाती थी और जब कैंसर होता था तो लोग कहते थे कि अब इसका जैसा मालिक ने बताया कि डेथ वारंट आ चुका है, लेकिन आज हमने देखा है कि 12-15 साल के जो लोग इलाज करा रहे हैं वो आज भी आप अपने दैनिक दिनचर्चा और अपना समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा
अमर प्रसाद कैंसर हॉस्पिटल की देन है कि वो लोग समाज के बीच में आज खड़े हैं। अगर ये हॉस्पिटल नहीं होता तो आज पता नहीं इस पूर्वांचल के कितने से रोगी काल कौलित हो गए। हनुमान प्रसाद प्रधान कैंसर हॉस्पिटल आधुनिकतम सुविधाओं से लैस है और गरीबों को बेसहाराओं को एक सहारा बनकर पूर्वांचल में उभरा है और बहुत कम लागत में यहाँ पर इलाज किया जाता है। हनुमान प्रसाद पोदार स्मारक की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मैंने देखा है कि सारी आधुनिक सुविधाएं आज के युग में जो भी उपलब्ध हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं और यह आम गरीबों के लिए कैंसर रोगियों के लिए पूर्वांचल में मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस समिति से जुड़े हुए सभी ट्रस्टियों को उपस्थित सभी डॉक्टरों को जो लोग सेवा भाव से काम कर रहे हैं मैं गोरखपुरवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में 10 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण संधि सुलह एवं अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती चंचल ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशिष्ट विषय आपराधिक शमनीय वाद धारा 138 प्राक्रम्य लिखित अधिनियम बैंक वसूली वादों मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं पारिवारिक वादों श्रम वादों भूमि अधिकरण वाद विद्युत एवं जल बिल विवाद सर्विस से वेतन संबंधी विवाद एवं सेवानिवृत्त लाभों से संबंधित विवाद राजस्व वाद एवं अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। सभी वादकारी एवं संबंधित व्यक्ति प्रातः 10 बजे नियत न्यायालय में उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर लाभ उठाएं। सेंट एंड्रयूज कॉलेज के महिला सेल द्वारा रंगोली प्रतियोगिता और स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को कॉलेज सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से महिला सेल की प्रथम महिला डॉक्टर अर्चना, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जे के लाल, डॉक्टर एस के तिवारी, डॉक्टर सीमा शेखर, डॉक्टर रायना सहित कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यशाला का शुभारंभ उपस्थित लोगों द्वारा प्रभु ईसा की वंदना कर दिया गया, जिसके पश्चात मुख्य वक्ता डॉक्टर सीमा शेखर ने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बच्चों को अपने विचार बताए। उन्होंने बताया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के माध्यम से हम अपनों से बेहतर सुधार करके अपने जीवन को तनाव मुक्त बना सकते हैं। कार्यशाला से पूर्व छात्राओं की लगभग एक दर्जन टोली ने रंगोली प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर अपनी कला का प्रदर्शन किया। कितने आसानी से इसको टेक अवे कर रहे हैं।
lady. She can have massage for this slight menstruals. The reasons of her stress, whatever I can get, the two of my vision, my vision, and my lesson, my team, my own way, some of the gum here, and two mini baskets, two cities, sick, honey, and divided names. The three children in our region, just because I say, how much of the stress of the sick, sickness of mind, not only of body. कई बार हम लोग मन से बहुत थके होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं कि हम जल्दी से अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। हमेशा जल्दी रहती है, जल्दी लोग छुट्टी लोग यहाँ जाना है वहाँ जाना है, टाइम नहीं है, बिजी है। हम अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि यू आर ऑलवेज बिजी विदाउट बिजनेस। हमेशा बच्चों से बात करो तो वो कहेंगे टाइम नहीं है मैम, बिजी बहुत है मैम, तो दे आर ऑलवेज बिजी विदाउट बिजनेस। सो इफ यू फील लाइक अवॉइडिंग दिस हाउ एंड देन यू आर हैविंग डिवाइडेड नेम्स। We are not concentrating ourselves on one effort as such. However, बहुत सारे divided names हैं जिसकी वजह से हम लोग frustration और stress में चले जाते हैं। बहुत जल्दी में मैं slide को दिखाऊंगी। फिर जो मैंने feel किया है अपने commentary में, there are two types of stress, acute stress and chronic stress. Acute stress जिसमें कि हम लोग को कोई challenge मिला तो हमें stress आ गया और अगर हमने उसको सहारा में किसका मिल गया तो फिर हम अपने आप को रिलीव कर पाते हैं। क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जो कि जल्दी से आपको छोड़ना ही है। आपको बीपी की बीमारी, आपको शुगर, आपको ब्लड प्रेशर, इस तरीके की तमाम चीजें आपके जीवन में खत्म कर जाती है। तो हम ऐसा करें क्यों कि हमारे को किसी भी तरह से क्रॉनिक स्ट्रेस या एक्यूट स्ट्रेस भी आए, बिकॉज दीज टाइप ऑफ स्ट्रेस दे आर ऑलवेज गिविंग डायरेक्ट इफेक्ट ऑन माइंड एंड बॉडी। नेक्स्ट Maybe. This is a quote by William Shakespeare. It is a very inspiring and motivating quote that I always like to tell it to my students. You don't know what you are going to accomplish tomorrow. Why should we stress today? Now the next is, don't distress yourself with useless people who don't even deserve to be an issue in your life. But you may see them all. It's not even that you have to ask. It's not that you have to ask. अरे आज कुछ हो गया कल आराम से लाओ, दिस इज व्हाट द एजुकेशन टेल्स यू। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये है बड़ी भारी बीमारी, सारा साल तो नहीं पढ़ेंगे और आखिर में किताबों के बोझे के बीच में अपना केवल जी जान लगा रहे हैं। जैसे कि एक रात में जाने हम लोग क्या प्यार नहीं दे पाएंगे, तो कुछ ऐसा आए पिक्चर क्यों आए हमारे जीवन में, क्यों ना हम रेगुलर बेसिस पे अपने आप को अरेंज करते हैं और इस अरेंजमेंट के साथ चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे स्ट्रेस में कहीं खड़े होंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के डेलीगेसी द्वारा आयोजित 14 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत शुक्रवार को चौथे दिन विश्वविद्यालय के डेलीगेसी हॉल में 2 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के तहत बैडमिंटन प्रतियोगिता में कुल 110 प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर डेलीगेसी के उपाध्यक्ष डॉ. विमलेश कुमार मिश्र, सचिव डॉ. आलोक कुमार गोयल, प्रोफेसर सुनीता मुर्मू, डॉक्टर केशव सिंह सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डेलीगेसी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विमलेश कुमार मिश्र ने प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। सेंट्रल जोन डेलीगेसी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के आज चौथे दिन
आज चौथी प्रतियोगिता बैडमिंटन प्रतियोगिता है जो डेलीगेसी के की काफ़ी प्रेस्टिजियस प्रतियोगिता मानी जाती है, जिसमें कुल 110 छात्र छात्राएं प्रतिभाग किए हैं। और इस प्रतियोगिता में हम पहले नॉकआउट मैच करवाएंगे। नॉकआउट मैच करवाने के बाद जो लड़के शार्ट आउट होकर के निकलेंगे तो उनको हम बेस्ट ऑफ थ्री खिला करके, और मैच आज और कल दो दिन प्रतियोगिता होनी है 9 और 10 तारीख को बैडमिंटन प्रतियोगिता। सर 11 तारीख से क्या प्रतियोगिता है? 11 को हमने विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई है, जो संपन्न करानी है, जो 1 बजे से रविवार है, 1 बजे से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हमने करवाया है, जिसमें लगभग 500 विद्यार्थी सम्मिलित होने की, 500 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में दृश्य कला विभाग की छात्राओं द्वारा 2 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन शुक्रवार को कॉलेज सभागार में किया गया, जिसका उद्घाटन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भरत भूषण द्वारा किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि समाजसेवी एवं पूर्व मेयर नगर निगम गोरखपुर पवन बथवाल, समाजसेवी पुष्पदत्त जैन, लोक गायक कलाकार राकेश श्रीवास्तव, महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर अपर्णा मिश्रा, डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव, प्रवक्ता डॉक्टर रेखा रानी शर्मा, डॉक्टर श्वेता वर्मा सहित कई शिक्षक और छात्राएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने छात्राओं द्वारा लगाए पेंटिंग, रिलीफिल पेंटिंग, टाइल्स पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग, लोक कला, मॉडर्न आर्ट, कोलाज पेंटिंग, सैंड पेंटिंग का अवलोकन कर भूरी भूरी प्रशंसा की। करके खल भेष भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके वो जनक सुता सीता को छल बल के ले गया हर के, वो जनक सुता सीता को छल बल के ले गया हर के। बड़ा दुख पावे राजा, बड़ा दुख पावे राजा, राम जी की रानी राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। लायो और संग लायो प्रभु, और संग लायो प्रभु, मुद्रिका निशानी राम कहानी, जावे अखियों में पानी राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी राम कहानी। We'll be right back.
जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर संसदीय उपचुनाव की हुई घोषणा, डीएम ने अधिकारियों के साथ किया बैठक, दिया चुनाव कार्यक्रम की जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोरखपुर से रवाना होने से पहले लगाया जनता दरबार, फरियादियों को उनकी समस्या के निराकरण का दिया भरोसा। रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जीआरपी सतर्क, अब जहर खुरानों के धर पकड़ के लिए प्लेटफॉर्म के साथ ही उनके घर तक पहुंचेगी जीआरपी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में वक्ताओं ने भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो विषय पर रखे अपने विचार। जीआरपी के एडीजी ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, यात्री सुविधाओं का लिया जायजा, पुलिस कर्मियों को दिए आवश्यक टिप्स। उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के नव निर्वाचित कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष अभिजीत पाठक का कांग्रेसियों ने किया अभिनंदन, दी बधाइयां। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा 12 फरवरी से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का होगा आयोजन, विविध राज्यों के वक्ता संस्कृत वाड़िवन में बिंब विधान विषय पर रखेंगे अपने विचार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नगर में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल एवं शोध संस्थान गीता वाटिका में गहन चिकित्सा कक्ष का महापौर ने किया लोकार्पण। 10 फरवरी को जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण संधि सुलह एवं अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर। सेंट एंड्रयूज कॉलेज के महिला सेल द्वारा आयोजित हुआ स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर कार्यशाला और रंगोली प्रतियोगिता, वक्ताओं ने बच्चों को तनाव मुक्त जीवन के दिए टिप्स। गोरखपुर विश्वविद्यालय की डेलीगेसी द्वारा 14 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के चौथे दिन 2 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, कुल 110 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। और CRDPG कॉलेज छात्राओं द्वारा आयोजित हुई 2 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बांधा समा। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।